नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जहां हम लोगों ने कल छोड़ा था। कहाँ तक देख लिया था दोस्तों हम लोगों ने? जनकोजीराव सिंधिया के बाद, जनकोजीराव सिंधिया के बाद यहां पर कौन शासक बनेगा? महादजी सिंधिया। क्लियर है? एक बार हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल सिंधिया वंश के सारे शासकों को देख रहे हैं। देखना एक बार ओवरऑल सारे शासकों को देख लेते हैं, जिससे आपके माइंड में इमेज बन जाए। सबसे पहला कौन? राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया कब से कब तक दोस्तों? दूसरे नंबर पे कौन बनेगा? जयप्पाराव सिंधिया। जयप्पाराव सिंधिया। सत्रह सौ पैंतालीस से 1755 तक। और फिर कौन बनेगा दोस्तों? दत्ताजी सिंधिया। सत्रह सौ पचपन से 1760 तक। फिर कौन बना? जनकोजी सिंधिया। जनकोजी सिंधिया सत्रह सौ साठ से 1761 तक। इसके बाद देखो रिवर्स होके आ रहे हैं ऐसे। महादजी सिंधिया 1761 से कब तक रहेगा दोस्तों? 94 तक। 1794 तक। देखो इसके बाद कौन बनेगा? दौलत राव सिंधिया। सत्रह सौ चौरानवे से 1827 तक। और देखो अगला कौन बनेगा? अगला बनेगा दोस्तों जनकोजी राव सिंधिया। ध्यान रखना इसमें जन, जनकोजी राव, जनकोजी राव सिंधिया। इसमें यह ध्यान रखना है, ये देखो जनकोजी सिंधिया है, इसमें राव जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? राव जुड़ा हुआ है। 1827 से 1843 तक ये शासक रहेंगे। और देखो अगला कौन बनेगा दोस्तों? अगला बनेगा जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया 1743 से, सॉरी
1843 से 1886, 43 से कितना 1886। फिर कौन बनेगा दोस्तों? माधव राव सिंधिया। अठारह सौ छियासी से 1925। फिर देखो यहां इसके बाद कौन बनेगा? तो जीवाजी राव सिंधिया। उन्नीस सौ पच्चीस से ये 61 तक रहेंगे। ये क्रम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, कि पहले कौन शासक बनेगा? राणोजी सिंधिया। सबसे पहले कौन बनेगा दोस्तों? यहां राणोजी सिंधिया। हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया, जयप्पा राव सिंधिया को पढ़ लिया, दत्ताजी सिंधिया को पढ़ लिया, जनकोजी सिंधिया को पढ़ लिया। अब कहां पर आते हैं दोस्तों? महादजी सिंधिया पर। तो टाइम पीरियड देखो कितना है, 1761 से 1794 आते हैं। अब महादजी सिंधिया, देखो समझो इनके बारे में, कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों यहां तक? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखो महादजी सिंधिया बेटा, इनकी विशेषता ये है कि ये सिंधिया रियासत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो सिंधिया रियासत के वास्तविक संस्थापक कौन? नाम है दोस्तों महादजी सिंधिया को माना जाता है। सबसे शक्तिशाली शासक कौन? यही दूसरी विशेषता। ये सिंधिया रियासत के कैसे शासक रहे दोस्तों? ये शक्तिशाली शासक रहे। दोनों पॉइंट क्लियर हैं। और अगला देखो, और क्या है दोस्तों? अब देखो आप लोगों ने देखा था कि इनने दोस्तों कौन से युद्ध में भाग लिया था? पानीपत के थर्ड युद्ध में भाग लिया था, तीसरे युद्ध में भाग लिया था, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना। घायल हो जाते हैं, घायल हो जाएंगे तो वहां से जो राणे खां है वो इनको वापस लाएगा। मतलब राणे खां ने इनकी क्या बचाई थी दोस्तों? जान बचाई थी। क्लियर हुआ इतना? और अगला देखो, अब होगा क्या? होगा क्या, यहां जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाएगा, मराठा हार जाएंगे, तो बेटा यहां पर जो गोहद के जाट राजा हैं जिनका नाम है लोकेंद्र सिंह। क्या नाम है दोस्तों? लोकेंद्र सिंह। तो गोहद के जाट राजा लोकेंद्र सिंह कहां, कौन से किले पर अधिकार कर लेंगे? ग्वालियर के किले पर। तो इस ग्वालियर के किले को वापस कौन जीतेगा दोस्तों? वापस जीतेंगे, क्या नाम है? महादजी सिंधिया। 1765 में इस ग्वालियर के किले को क्या करेंगे ये दोस्तों? वापस जीतेंगे। इतना क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में याद रखना, ठीक है ना? और देखो और क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में, जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह जिसका नाम क्या है? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था, इन्हें
क्या बनाया था बेटा? प्रधानमंत्री बनाया अपना, और प्रधानमंत्री बना करके इन्हें अपने प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए थे। तो दोस्तों इन्हें प्रधानमंत्री किसने बनाया था? शाह आलम द्वितीय ने। कौन से अधिकार प्रदान किए थे? प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए, ठीक है ना। ये इतनी कहानी किसके बारे में हो गई दोस्तों? ये हो गई महादजी सिंधिया के बारे में। अब देखो, देखना, महादजी सिंधिया के बाद कौन बनता है दोस्तों? दौलत राव सिंधिया। तो अब देखेंगे हम किसको दोस्तों? दौलत राव सिंधिया जी को। देखो दौलत राव सिंधिया, कब से कब तक रहेंगे दोस्तों? ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है 1794 से 1827 तक। 27 लिख लेना दोस्तों, 27 तक रहेंगे। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखो। देखो सबसे पहले इनने क्या की दोस्तों? अभी सिंधिया वंश की राजधानी क्या चली आ रही है? उज्जैन चली आ रही है। क्या चली आ रही है दोस्तों? उज्जैन चली आ रही है। तो ये क्या करेंगे? अपनी राजधानी को करेंगे परिवर्तित। तो राजधानी कहां परिवर्तित की? राजधानी परिवर्तित। अब ये राजधानी परिवर्तित कहां से कहां की दोस्तों? तो उज्जैन से ग्वालियर, ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र में किन्ने राजधानी परिवर्तित की थी दोस्तों? तो नाम है दौलत राव सिंधिया ने। कब की थी? 1810 में। ये डेट भी याद रखना। इनने अपनी राजधानी कब परिवर्तित की थी दोस्तों? 1810 में की थी। और देखो इनके टाइम पीरियड पर दोस्तों सत्रह सौ चौरानवे में एक युद्ध हुआ था, एक युद्ध, और इस युद्ध को क्या बोला जाता है? कुडल्ला का युद्ध, कुडल्ला का युद्ध। अब इस कुडल्ला के युद्ध में इनने दोस्तों हैदराबाद के निजाम को हराया, हैदराबाद के निजाम को हराया। हैदराबाद के किसको हराया दोस्तों? निजाम को हराया, को हराया। और निजाम से चौथ व सरदेश मुखी वसूल की, चौथ व सरदेश मुखी वसूल की। ये ध्यान रखना, कुडल्ला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दौलत राव सिंधिया और हैदराबाद के निजाम के बीच। और फिर क्या होगा इस युद्ध में? जब निजाम हार जाएगा तो चौथ बार सरदेश मुखी ये क्या करेंगे दोस्तों? वसूल करेंगे। और देखो और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों? ये जो है इन्होंने ग्वालियर में मोतियों का व्यापार चालू किया, मोतियों का व्यापार चालू किया। तो मोतियों का जब व्यापार चालू किया तो इन्हें बेटा संज्ञा मिली मोतीबाला की। किसकी संज्ञा दी गई इनको? मोतीबाला की। तो मोतीबाला की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि इनने ग्वालियर में मोतियों का व्यापार क्या किया था दोस्तों? चालू किया था। इतना क्लियर हुआ। और देखो इनने क्या किया दोस्तों? ग्वालियर में मोती महल का निर्माण करवाया। और महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों इनका?
ग्वालियर में मोती महल का क्या करवाया? निर्माण कराया। ये भी इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा। गोरखी पैलेस का निर्माण किया। एक और देख लो, गोरखी पैलेस। अब दोस्तों ये गोरखी पैलेस कहां पर है? ग्वालियर में। तो गोरखी पैलेस का क्या किया इनने? निर्माण किया। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, यहां देखना दोस्तों, यहां हमने महादजी सिंधिया को पढ़ लिया, दौलत राव सिंधिया को पढ़ लिया, अब किसको पढ़ेंगे? कौन बनेगा अगला शासक? जनकोजी राव सिंधिया। कौन बनेंगे दोस्तों? जनकोजी राव सिंधिया। देखो, देखते हैं अगला। जनकोजी राव सिंधिया ये कब से कब तक रहेंगे? 1827 से 1843 तक। कब से कब तक रहेंगे दोस्तों? 1827 से 1843 तक रहेंगे। अठारह सौ सत्ताईस से 1843 तक कौन रहेगा दोस्तों? जनकोजी राव सिंधिया। तो समझना, ये दत्तक पुत्र थे, ये दत्तक पुत्र थे किसके? दौलत राव सिंधिया जी के। तो ये रहेंगे कैसे दोस्तों? अल्पायु के। अल्पायु के रहेंगे तो राजा ये बन गए, लेकिन इनके संरक्षिका कौन बन जाती हैं? संरक्षिका। तो इनकी संरक्षिका बनेंगी दोस्तों, इनकी माता, बड़ी मम्मी थी ये, इनकी माता बैजाबाई। बैजाबाई, या इन्हीं को बोला जाता है बैजाबाई। क्या नाम है दोस्तों माता का? बैजाबाई। या इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? बैजाबाई भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो ये क्या करेंगी दोस्तों? बैजा ताल का निर्माण करवाएंगी ग्वालियर में। बैजाबाई का महत्वपूर्ण कार्य क्या? ग्वालियर में बैजा ताल का निर्माण। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? बैजा ताल का निर्माण, जिसे कहा जाता है तैरता हुआ रंगमंच। तो मध्य प्रदेश का तैरता हुआ रंगमंच का कौन सा है बेटा? बैजा ताल कहां है? ग्वालियर। तैरता हुआ रंगमंच। क्लियर हुआ? एक फैक्ट याद रखना है किसके बारे में? बैजाबाई के बारे में। और देखो अगला क्या है? जो उज्जैन है, इनके बारे में बेटा जनकोजी राव सिंधिया में महत्वपूर्ण ये बैजाबाई हो जाएंगी। तो और क्या किया? गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर दोस्तों? उज्जैन में। तो गोपाल मंदिर का क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। ये महत्वपूर्ण जानकारी किसके बारे में हो गई? जनकोजी राव सिंधिया के बारे में और इनकी माता बैजाबाई के बारे में। ठीक है, अब देखना दोस्तों, यहां आओ रिवर्स। यहां जनकोजी राव, फिर कौन बनेगा राजा? जयाजी राव सिंधिया। कौन बनेंगे दोस्तों? जयाजी राव सिंधिया।
तो अब हम किसको देखते हैं, जयाजी राव सिंधिया को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, किसको, जयाजी राव सिंधिया को। किसको देखेंगे दोस्तों, जयाजी राव सिंधिया को। अब देखो इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखो। पहला फैक्ट क्या हुआ, देखो 43 से 87 के 86 के बीच में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो दोस्तों इसका आंसर है जी हाँ बिल्कुल घटी थी। क्या घटी थी, 1857 की क्रांति हुई थी। तो इनके टाइम पीरियड पर क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। अब इस 1857 की क्रांति में ये जो थे राजा, इनने किसका साथ दिया था, तो दोस्तों इसका आंसर है अंग्रेजों का साथ। किसका साथ दिया था इनने, अंग्रेजों का साथ दिया था। क्लियर हुआ इतना, और आगे आओ, और क्या महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों इनका, और महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों, तो अगला महत्वपूर्ण कार्य है 1874 में जय विलास महल का निर्माण करवाया। अब दोस्तों ये जय विलास महल कहाँ है, ग्वालियर, ग्वालियर। इस जय विलास महल के वास्तुकार कौन है, वास्तुकार माइकल फिलोज। कौन है दोस्तों इसके, माइकल फिलोज इसके वास्तुकार हैं। क्लियर हुआ इतना, ये इसके क्या है, वास्तुकार है। और अगला क्या है, जो शास्त्रीय संगीत का ग्वालियर घराना है वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर विकसित हुआ। शास्त्रीय संगीत का ग्वालियर घराना किसके टाइम पीरियड पर विकसित हुआ दोस्तों, तो ये विकसित हुआ है जयाजी राव सिंधिया के टाइम पर विकसित। बेटा राम राम। क्लियर हुआ, देखो एक कौन हो गए, जयाजी राव सिंधिया की कहानी हो गई। अब देखना जयाजी राव सिंधिया से बाद कौन बनेगा दोस्तों, माधव राव सिंधिया। कौन बनेंगे यहां पर, माधव राव सिंधिया। अब समझो माधव राव सिंधिया को, देखो क्या महत्वपूर्ण है इन्हें दोस्तों, आधुनिक ग्वालियर राज्य का
मॉडर्न ग्वालियर स्टेट का निर्माता कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न ग्वालियर स्टेट का क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्माता कहा जाता है। पहली महत्वपूर्ण विशेषता तो यही है, क्लियर हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? इनने क्या किया, तिगरा बांध का निर्माण करवाया। तिगरा बांध का निर्माण तो कहां पर किया है दोस्तों? ग्वालियर में। ग्वालियर में क्या किया, तिगरा बांध का निर्माण करवाया। और देखो और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इनके बारे में दोस्तों? विक्टोरिया भवन का निर्माण करवाया। विक्टोरिया भवन भवन का निर्माण करवाया। किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही हुआ बेटा। और देखो और क्या किया, फूलबाग का निर्माण करवाया। इन्हीं ने क्या किया दोस्तों? जो ग्वालियर का फूलबाग है उसका निर्माण किसने किया? माधव राव सिंधिया ने किया फूलबाग का निर्माण। ग्वालियर में। और महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी इनकी तो देखना है यहां पर। अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है दोस्तों, महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि बेटा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए, जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए 1911 में शिवपुरी में, कहां पर दोस्तों? शिवपुरी में जॉर्ज केसल महल का निर्माण करवाया। जॉर्ज केसल महल का निर्माण करवाया। ये इनका एक महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी दोस्तों। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में हो गए दोस्तों? माधवराव सिंधिया के बारे में। अब देखना, यहां माधवराव सिंधिया बन चुके हैं राजा, इनके बाद कौन राजा बनेगा दोस्तों? तो देखो जीवाजी राव सिंधिया कौन बनेंगे दोस्तों? जीवाजी राव सिंधिया। आ जाओ जीवाजी राव सिंधिया में भी। जीवाजी राव सिंधिया देखो क्या महत्वपूर्ण विशेषता है बेटा। भारत स्वतंत्र हुआ इन्हीं के टाइम पीरियड पर। भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। और अगला देखो, मैंने क्या बताया था दोस्तों आप लोगों को यहां पर कि ये वाला जो बेल्ट है कौन सा बेल्ट दोस्तों? यहां पर सिंधिया और ये वाला क्या होलकर, इसको कौन से पार्ट में रखा गया था? पार्ट बी। पार्ट बी ठीक है ना। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों मध्य भारत। क्या नाम था? मध्य भारत। तो अगली विशेषता यही हो गई दोस्तों। क्या हो जाएगी?
इनके समय मध्य भारत का विलय भारत संघ में हो गया। किसमें हो गया दोस्तों? भारत संघ में हो गया। और क्या महत्वपूर्ण विशेषता है बेटा? कमला राजा अस्पताल का निर्माण करवाया इनने। कमला राजा अस्पताल का क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। इतने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट एक इसके बारे में हो गए, जीवाजीराव सिंधिया के बारे में। अब इस रियासत का विलय किसमें हो गया? भारत संघ में। क्लियर हुआ? यहां पर दोस्तों हमारी कौन सी रियासत कंप्लीट होती है? सिंधिया रियासत। कौन सी रियासत कंप्लीट होती है? सिंधिया रियासत। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, कुछ छतरियां देखते हैं हम इस वंश की, समाधियां देखते हैं, तो देखना। छतरियां देखो, छत्रियां देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम किसकी छत्री? राणोजी सिंधिया की। राणोजी सिंधिया की कहां पर है दोस्तों इनकी छत्री? सुजालपुर उज्जैन। कहां पर है दोस्तों? सुजालपुर उज्जैन में है। महादजी सिंधिया की कहां है? पुणे में है। पुणे में है। और अगला देखो, दौलत राव सिंधिया की कहां है दोस्तों? ग्वालियर में है। और अगला देखो, सांख राजे सिंधिया की कहां है? शिवपुरी। सांख राजे सिंधिया की कहां है? शिवपुरी। माधव राव सिंधिया की कहां है? शिवपुरी। शिवपुरी। अगला देखना, जीबाजी राव सिंधिया। इनकी कहां है दोस्तों? ग्वालियर। ये छत्रियां हो गई बेटा, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं इनकी, याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है ना?
ये सिंधिया वंश की क्या हो गई दोस्तों, क्षत्रियां होती हैं। ये हमारा आज सिंधिया वंश क्या हुआ दोस्तों, समाप्त होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं मैं, तुरंत आंसर बताना बेटा इसका। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने आद्र भूमि क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में कितने आद्र भूमि क्षेत्र हैं, तुरंत बताओ बेटा। बताओ बेटा कितने आद्र भूमि क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में? नमस्कार अमन। बैट बैट लैंड कितने हैं बताओ? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? 4। देखो पहला कौन सा, भोजलैंड 2002। फिर कौन सा दोस्तों, यशवंत सागर 2022। सिरपुर तालाब 2022 और शांख सागर झील ये भी 2022। ये बेटा कहाँ है? शिवपुरी। ये दोनों कहाँ हैं? इंदौर। और ये वाला कहाँ है? भोपाल। कहां पर है दोस्तों? भोपाल। चलो एक अगला क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरछा रियासत का संस्थापक कौन है? बताओ बेटा इसका आंसर। ओरछा रियासत का संस्थापक कौन है, तुरंत बताओ। ऑप्शन लो भाई। ए वीर सिंह बुंदेला, बी सुजान सिंह, सी छत्रसाल और डी रुद्र प्रताप सिंह। कौन होगा दोस्तों?
नहीं आशीष, गलत है बेटा आशीष। बेटा इसका क्या सही आंसर होगा? डी, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला 1531 में कौन सी रियासत की स्थापना की थी? ओरछा रियासत की। अगला क्वेश्चन बताओ दोस्तों। नरई का युद्ध कब हुआ था? नरई का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1561, बी 1564, डी 1728। क्या होगा दोस्तों? पंद्रह सौ चौसठ। बेटा ये युद्ध रानी दुर्गावती बा अकबर का सेनापति क्या नाम था? अकबर का सेनापति आसफ खां, आसफ खां के बीच में हुआ था। ये नरई कहाँ है दोस्तों? जबलपुर। क्लियर हुआ ये? ओके दोस्तों, अब मिलते हैं कल नई रियासत के साथ। ओके, थैंक यू।